नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गाना जो हर जगह बजा वो था RLDI रे। कई जगह अगर शादी विवाह में भी वो गाना चला तो टकराव की नौबत आई, लोग अपने ट्रैक्टर पे उस गाने को लेके जब उन्होंने बजाया तो कई जगह चुनाव में टकराव की भी नौबत आई। उस गाने को जिन गायक ने गाया एंडी जाट, वो हमारे साथ मौजूद है। परिस्थितियां बदल गई है, तब जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नए गठबंधन में है। संभावना है कि एक दो दिन में उस पर मोहर भी लग जाएगी। तो एंडी भाई, RLDI तो बड़ी हिट हुआ आपका, और लोगों को लगता है कि भाई आपकी भावनाएं भी जयंत चौधरी से जुड़ी हुई है, इतनी आप गहराई से वो गाना शायद आपने गाया कि वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। अब परिस्थितियां बदल गई है तो क्या कहना चाहोगे, जैन जी का रुख अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है? देखो, कोई भी सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे भाई सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो जैन चौधरी, जो देखो जो डिसीजन उन्होंने लिया है, एक राष्ट्रीय नेता है, बहुत सोच समझ के लिया होगा कि विपक्ष में रह के काम करा सकते हैं या सत्ता में रह के अपने तो किसान मजदूर की वे बात करते हैं कि वहां रह के काम करा सकते हैं, तो उनका बहुत डिसीजन बहुत सोच समझ के उन्होंने लिया कि NDA में शामिल होने का, और हम उनके साथ हैं। जो उनका डिसीजन है हम उनके साथ हैं। गठबंधन मजबूत चल रहा था, आपने तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी पे भी गाना बना दिया, अब रिलीज होगा नहीं होगा या होगा तो कब होगा? देखो, गाना बनाया है, देखो हम कलाकार हैं, हमारे लिए पार्टी सारी बराबर है, लेकिन दिल और धड़कन जैन चौधरी के साथ ही है। जहाँ वो कहेंगे, जहाँ वो जाएंगे, मैं वहाँ जाऊँगा। और बात अखिलेश यादव जी की, उनका गाना मैंने बनाया है तो रिलीज भी करेंगे, बिल्कुल जल्दी रिलीज होगा। तो आप बहुत लोग मान रहे हैं कि सिर्फ दो लोकसभा सीटें जयंत चौधरी को इस गठबंधन में मिलने जा रही है, हालांकि अभी ऑफिशियल मोहर नहीं लगी, लेकिन अगर इतनी सीटों पे लोकसभा चुनाव में समझौता होता है तो क्या RLDI के बहुत सपोर्टर को इस बात से उनके मन को ठेस पहुंच रही है? देखो क्या है, सीट का भी कोई बंटवारा नहीं हुआ है और ये सब सूत्रों के हवाले से ही खबर आ रही है कि चार है, शुरू में चार बताया फिर दो बताया, लेकिन जो कन्फर्म है वो जयंत चौधरी जी को ही पता है या NDA वालों को पता है, ये तो सब कभी कुछ दिखा रहे हैं कभी कुछ दिखा रहे हैं, ये जल्दी ही पता चल जाएगा। जयंत चौधरी से अगर आपकी मुलाकात हो, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या दो सीटों पर समझौता हो जाना चाहिए? देखो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दो, क्योंकि भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, दो सीटों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी 15 सीटों पर असर है राष्ट्रीय लोकदल का, और कम से कम 5-6 सीट तो चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा 5-6 सीट तो चाहिए, जो हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो बुरे टाइम में जब हमारी एक भी सीट नहीं थी तब से लगे हुए हैं, क्योंकि उनका फ्यूचर देखने के लिए, उन कार्यकर्ताओं का भले के लिए भी सीट ज्यादा होनी बहुत जरूरी है। तो 22 में अखिलेश यादव वो छुआ रहे थे बस पे खड़ा होकर RLDI रहे, इस बार माहौल बदल रहा है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता वही मांग करते हैं दिखाएंगे? देखो ठीक है, अगर जब NDA शामिल हो गए हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी बजा लेगी RLDI। हम समाजवादी में थे तो अखिलेश भैया बजाते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, बजेगा तो RLDI ना, तो अच्छी बात है हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए। तो बड़ी बात एंडी जाट कह रहे हैं कि भले ही अब दल बदल गए हो लेकिन बजेगा तो RLDI रे, और साथ में वो कह रहे हैं अपनी भावना भी उन्होंने रखी है कि अगर दो लोकसभा सीटों पे समझौते की जो चर्चा आ रही है वो नहीं होना चाहिए, राष्ट्रीय लोकदल को उसके वजूद के हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें मिलनी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि कम से कम 5-6 लोकसभा सीटें RLDI के खाते में इस गठबंधन के तहत आनी चाहिए।